नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा भारतीय कैम स्कैनर जिसकी मदद से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कहीं भी पीडीएफ बना सकते हैं और आसानी से इसको सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एड ब्रेक के, बिना किसी वाटरमार्क के और बिना किसी साइन इन किए। आप देख सकते हैं कस्टम वाटरमार्क, नो एड्स, नो साइन इन, कम्प्लीटली फ्री। इसे कहते हैं इंडियन कैम स्कैनर फॉर स्कैनिंग एंड स्टोरेज। आज के इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे और दोस्तों ये मेड इन इंडिया है। चलिए शुरू करें। दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम जो है यहाँ पर लिखेंगे कागज स्कैनर। ये देखिए यहाँ लिखा गया है, ये हमारा एप्लीकेशन है कागज स्कैनर, कैम स्कैनर, इंडियन पीडीएफ मेकर। ये मेड इन इंडिया है, पूरी तरीके से भारतीय है, भारत में इसको बनाया गया है। ये कैम स्कैनर की जगह पूरी तरीके से ले चुका है। आप देख सकते हैं इसकी सबसे अच्छी वजह जो है इंडियन कैम स्कैनर है, मेड इन इंडिया। यहाँ पर कोई भी आपको वाटर मार्क शो नहीं होगा, कोई भी एड्स शो नहीं होंगे, आपको साइन इन भी नहीं करना है। ये कम्प्लीटली फ्री है, हाई क्वालिटी भी है, 8 लैंग्वेजेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इजी शेयरिंग है और सबसे अच्छी बात ये बहुत जल्दी फास्ट स्कैनिंग करता है। आप इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप पीडीएफ बनाने के साथ साथ जो है इमेजेस को भी बना सकते हैं और ये सेफ एंड सिक्योर भी है। इसमें आप पासवर्ड डालकर किसी भी पीडीएफ को यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और हम सबसे अच्छी बात बताना चाहेंगे आपको, यहाँ आप देख सकते हैं ये इसकी जो डिटेल है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है नो साइन इन रिक्वायर्ड, नो एड्स, फ्री स्कैनिंग, कम्प्लीटली फ्री टू यूज़, कस्टम वाटरमार्क। आप अपने खुद का वाटरमार्क भी जो है कस्टमाइज करके इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट लिया है इसके साथ साथ, और गवर्नमेंट जी भी जो है इस एप्लीकेशन को प्रमोट कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। हम ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, और यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। आप माय डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, माय फोल्डर देख सकते हैं, यहाँ तीन डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स आप ऐप को शेयर कर सकते हैं, प्राइवेसी देख सकते हैं, रेट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। हम यहाँ पर जाएंगे, ये आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है ऐड कस्टम वाटरमार्क। आप अपने पीडीएफ पर वाटरमार्क लगा सकते हैं। नीचे से आप जो है भाषा चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। हम यहाँ इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, आप देख रहे होंगे ये प्लस साइन, हम इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, ये स्कैनिंग मोड में जाएगा। देखिए हम यहाँ से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, जैसे ये आपको पेज दिख रहा है, हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक हो गया है। दूसरा आप चाहें तो आप इसको रिवर्स करके क्लिक कर सकते हैं, ये इसका दूसरा पेज क्लिक हो गया है। अब हमें प्रोसीड करने के लिए हम प्रोसीड पर जाएंगे। प्रोसीड के बाद आप देखेंगे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जितना भी मार्क पीडीएफ बनाना है। ये देखिए फुल स्ट्रेचेबल है, ये आप इसको यहाँ से पूरी तरीके से एडजस्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट के बाद ये दूसरा पेज आएगा एडजस्ट करने के लिए, जो हमने इसका दूसरा पेज लिया था, ये हम दूसरे पेज को लेकर यहाँ से जो है इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। देखिए ये आ गया है इसके ओरिजिनल कलर में। यहाँ पर 5 कलर के ऑप्शंस हैं, आप मैजिक कलर कर सकते हैं, आप मैजिक कलर 2 कर सकते हैं, आप ग्रे मोड कर सकते हैं, या फिर आप पूरा ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। हम इसको ओरिजिनल कलर पर रखेंगे, डन करेंगे। डन करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है प्लस का, और एक टिक का साइन आ रहा है प्लस। अगर आपको कुछ और पेजेस इसमें ऐड करने हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं या प्लस पर साइन करके। ये देखिए ये यहाँ से आ जाएगा, और आप या फिर इसको यहाँ से टिक कर देंगे। देखिए ये आपका पीडीएफ बन चुका है, आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करके आप देखेंगे ये आपको आपका पीडीएफ दिख रहा है। यहाँ नीचे ऑप्शन दिख रहा है डिलीट करने का, एडिट करने का, डाउनलोड करने का, शेयर करने का। आप यहीं से इसको शेयर कर सकते हैं, और ये यहाँ से दो ऑप्शन देगा इसके साइज के साथ साथ, क्या आप इसे एज JPG सेव करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, और क्या आप इसको एज PDF शेयर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको, आप यहाँ भी वही ऑप्शन देख सकते हैं, आपको राइट टॉप में दिख रहे हैं। रिनेम कर सकते हैं आप इसको, डिलीट कर सकते हैं, और पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं।
एक और सबसे अच्छा ऑप्शन जो इसके साथ साथ है, हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद जो है हम इसको, ये हमने इसका देखिए पीडीएफ बना दिया है, ये पीडीएफ बन गया है। आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे। नीचे आने के बाद जो है आप इसमें कस्टम वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमने ओके कर दिया है, ये कस्टम वाटरमार्क यहाँ पर ऐड हो गया है। अब आप जो भी अपना पीडीएफ बनाएंगे उसमें जो है यहाँ पर कस्टम करके उसमें एक वाटरमार्क ऐड हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन पर जाने के बाद आप यहाँ से जो है इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं और फिर से इसको रीटेक कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, हम प्लस पर जाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पीडीएफ है तो आप पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और उस पीडीएफ को अपने डिवाइस से उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पीडीएफ क्लिक करके ये पीडीएफ के सारे पेजेस आ गए हैं। इस पीडीएफ में जो है 1 to 17 पेजेस हैं। आपको अगर कोई पेज को हटाना है तो आप यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक कर देंगे, वो पेज देखिए यहाँ से चला जाएगा। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके, जैसे हम इस पेज को फिर से ऐड करते हैं, ये हमने ऐड कर लिया है, देखिए ऐड करके ये 13 के बाद ये 14 हो गया है। हम आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो है हम इस पे यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इसको क्रॉप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पेजेस को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे सभी पेजेस को एडजस्ट करने के बाद जो है ये यहाँ पर आ गया है बनकर। आप इसको कलर दे सकते हैं, कलर इसका चेंज कर सकते हैं, ग्रे मोड कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं और इसको डन कर सकते हैं। तो देखिए ये दोस्तों कितना शानदार ये एप्लीकेशन बना है हमारा। इस एप्लीकेशन को जो है हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने इस एप्लीकेशन को जितनी देर चलाया यहाँ पर कोई भी वाटरमार्क, कोई भी ऐड नहीं है, कोई भी हमने साइन इन नहीं किया, कोई भी साइन आउट नहीं किया। यहाँ भी देखिए आपको कोई भी प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये एप्लीकेशन जो कागज़ नाम से है, ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।